नंबर टू the height of the tower to the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground. So if tower है हमारे पास ऐसे, इसको हमने बोल दिया A B, the angle of elevation of the top of a tower. ये हमारे पास tower है. From a point on the ground, तो ground पर जो ये point है वहाँ से इस tower के top का angle of elevation कितना दे रखा है 30 degree. 30 डिग्री दे रखा है. तो ग्राउंड का एक पॉइंट है, वहां से एक टॉवर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे रखा है, और ये वाला जो पॉइंट है ये टॉवर के फुट से कितनी दूरी पर है, ये 30 मीटर की दूरी पर है. 30 मीटर अभी फुट ऑफ द टॉवर. अभी टॉवर तो सीधा ही खड़ा होता है, तो इसका मतलब 90 डिग्री के एंगल बनेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर. तो टॉवर की हाइट को आपने h मीटर मान लिया. आप ये देखेंगे कि अगर मेरे को ये एंगल दे रखा है, तो एंगल के ठीक सामने वाली साइड वो क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर. ठीक है, और एंगल के बराबर वाली साइड क्या कहलाती है, बेस. तो मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा वाला रिलेशन यूज करूंगा. तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC.
stop. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is ढीलापन नहीं है स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग बिल्कुल टाइट है. तो ऐसा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर. ये काइट है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है. किसी भी चीज की ऊंचाई कहां से निकाली जाती है? ग्राउंड से. तो वो ग्राउंड से 60 मीटर, ये वाला पॉइंट ए है, यहां मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं काइट. ये ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है. उसके बाद क्या हुआ कि कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा होकर उसको उड़ा रहा है, तो जो इसकी स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग को उसने पकड़कर ग्राउंड पर यहाँ पर बांध दिया. अब ये अज्यूम कर लिया गया कि वो जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल टाइट है, उसमें कहीं पर कोई ढीलापन नहीं है, है ना, स्लैक नहीं है, लैक नहीं है कहीं पर, बिल्कुल स्ट्रेट है. ठीक, अच्छा, तो इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, तो ये जो स्ट्रिंग है उसको मैं लिख रहा हूँ, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग और ये ग्राउंड, तो स्ट्रिंग और ग्राउंड दोनों बीच में कितना एंगल बना रहे हैं? 60 डिग्री. तो वो कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है. तो एक तो ये एंगल दे रखा है, एंगल के सामने वाली साइड यानी कि परपेंडिकुलर दे रखा है, और निकालना क्या है? स्ट्रिंग की लेंथ. स्ट्रिंग की लेंथ को हमने एल मीटर मान लिया, तो लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग भी एल मीटर. स्ट्रिंग भी एल मीटर. तो अब आपको ये एल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? साइन थीटा लेंगे. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज अननोन है, आ जाएगा. तो क्या करेंगे? साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है? AB और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC. AB अपॉन AC. साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 3/2 इक्वल टू ए बी कितना है 60 और ए सी कितना है लेंथ एल. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एल रूट 3 इज इक्वल टू 60 इंटू 2. तो एल इज इक्वल टू 60 टू जा 120 अपॉन रूट 3. अब रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई करा और रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा. बिल्कुल सही, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, 3 फोर इज 40 रूट 3, 40 रूट 3 मीटर. अब देखिए जितने भी इसमें आंसर है ना, वो रूट 3 या रूट 2 की टर्म्स में आप छोड़ सकते हैं. बस एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी किसी क्वेश्चन में रूट 3 और रूट 2 की वैल्यू दे रखी होती है, तो अगर वैल्यू दे रखी है तो वो वैल्यू रख देना होगा. ठीक है, जैसे रूट 3 की वैल्यू 1.732 होती है, रूट 2 की वैल्यू नोट करके लिख लीजिएगा.
root 2 is equal to 1.414 and root 3 is equal to 1.732. तो trigonometric ratios में root 3 की ज़रूरत पड़ती है, root 2 भी आ जाता है टेबल, root 2 की भी ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा मुझे कोई और रूट याद करने की ज़रूरत नहीं, इसको रट लेना इन दो वैल्यूज़ को। क्यों अंडर रूट निकालने थोड़ी बैटर के मामले, अगर क्वेश्चन में ये दे दिया फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग करेक्ट टू टू डेसिमल प्लेसेस, तो इसका मतलब क्या है कि वो फिर अंडर रूट में आंसर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है आपसे, वो कहेगा कि आप उसकी वैल्यू रूट में पॉइंट्स में निकाल कर छोड़िए। तो फिर अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 इनकी वैल्यू याद कर, खत्म रहा, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4 की ये काइट वाला ही है, छोड़ रहा हूँ ये मैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, सर्फेस आर्टिस्ट is climbing from the ground is artist is climbing from the ground along the rope stretched from the top. A circus artist is climbing from the ground along a rope stretched from the top of a vertical pole. Premium
एल्यूमिनियम जेल लिखा हुआ है इस पर बिस्लेरी वाले फॉन्ट में। हाँ जी क्वेश्चन देख लीजिए कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग फ्रॉम द ग्राउंड अलोंग द रोप। आंसर सबके छोटे हैं, क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं, सबके आंसर छोटे हैं। और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए एनसीईआरटी से करना चाहें तो एनसीईआरटी इस साल की कुछ और है, पिछले साल की कुछ और थी, उससे पिछले साल की कुछ और है। और ये आरडी शर्मा तो है बदमाश, ये हर साल क्या करता है क्वेश्चन में, वो आगे पीछे कर देता है क्वेश्चन, चैप्टर भी आगे पीछे। मैं चैप्टर नंबर कौन सा है इसमें, पिछले साल की देखो या इस साल की देखो, तो चैप्टर नंबर 11 होगा उसमें, क्वेश्चन भी आगे पीछे कर रखे हैं कि मतलब अगले साल सब चेंज हो जाएगा। ये मैं कुछ नहीं पता, कुछ पता ही नहीं, सब कुछ सारी चीज़ों में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है आजकल। सिलेबस अगर अच्छे के लिए चेंज करेंगे तो नहीं, ये नहीं होने देना हमको चेंज, बस ऐसे ही है, हर जगह गड़बड़ होती है। हाँ जी, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग फ्रॉम द ग्राउंड अलोंग द रोप स्ट्रेच्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल एंड टाइड एट द ग्राउंड। तो ये वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल के टॉप पे एक रोप बंधी हुई है और उस रोप को खींच कर यहाँ पर ग्राउंड पर बांध दिया जाता है, ग्राउंड पर बांध दिया जाता है। और फिर एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो सर्कस आर्टिस्ट जो है वो इस पर रोप पर चलना जानता है, तो उसको यहाँ से और यहाँ तक बिल्कुल पोल के टॉप तक चल के जाना है। अब वो कह रहे हैं द हाइट ऑफ द पोल इज 12 मीटर, जो पोल है पोल की हाइट दे रखी है 12 मीटर, 90 डिग्री हो गई। एंड द एंगल मेड बाई द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो ये जो रोप है ये ग्राउंड के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री। कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाई द आर्टिस्ट क्लाइंबिंग टू द टॉप ऑफ द पोल। तो आपको रोप की लेंथ बता दें, ठीक है, रोप की लेंथ है 11 मीटर। साइन टैन कॉस क्या यूज करो, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन सी, परपेंडिकुलर बन रहा है साइन 30 डिग्री इज बन रहा है ए बी वेल इजी एन
टाइम में तो दिमाग नहीं है, कल तुम्हारे पीटीए में वहां तुम्हारे बेइज्जती होने वाली है। ये तो दिक्कत है कि तुमने मान लिया नहीं और आगे कुछ करने का सोचा ही नहीं। आवाज समझ आ गई है। हां मेरे पीछे तुम ही हो। अरे मेरे पीछे भाई उसे मैं जानता हूं। इसे मैं जानता हूं वाले के भी उसे भी मैं जानता हूं। आवाज सुन कर दी क्या प्रूफ है? प्रूफ मांगते तो दुनिया को से मेरे वाले क्या प्रूफ है? मैं हूं ना प्रूफ। मैं हूं ना प्रूफ। मुझे पता है मैं हूं ना प्रूफ। कहता क्वेश्चन में तो अच्छा लगेगा भाई टेंथ में है और फिर सबको समझाओगे कि नहीं कि बड़ा मैम वो बड़ी मैम भास्कर को परेशान करते रहोगे। तो फिगर दे रखी है स्पेशल। If the length of the bridge across the river is 150 meter देखिएगा इसमें ना फिगर दे रखी है मैं उधर पड़ा हूँ। जो बहती हुई जा रही है रिवर ऐसे बहती हुई जा रही है उसके ऊपर ऐसे ना टेढ़ा ना ये ब्रिज है मतलब तो इसको इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं। मतलब हम ये उसको टॉप से देखें ऊपर से देख रहे हैं तो रिवर तो ऐसे जा रही है उसके ऊपर से ब्रिज किस तरीके से जा रहा है। अब वो इसमें क्या पूछ रहे हैं कि अब ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर। तो रिवर का जो फ्लो है इसके साथ में ये जो ब्रिज है ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है यानी कि 45 डिग्री का एंगल कहाँ पर बनेगा।
और इस पॉइंट को यहाँ से अगर ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो, इसको ए बोल रहे हैं, इसको बी बोल रहे हैं और इस पॉइंट को सी बोल रहे हैं। तो ये हमसे ये पूछ रहे हैं कि आपको रिवर की विड्थ निकालनी है, तो रिवर की विड्थ क्या होगा, ये जो ए बी है ये तो रिवर की विड्थ होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ए बी निकालना है, तो एंगल है ये परपेंडिकुलर और ये क्या 90 डिग्री के साथ में है, तो बैग रखने के लिए क्या उस पर खड़े हो गए थे क्या? चलो फिर सब ठीक तो है, तुमने मुझे तो ऐसा बनाया था जैसे पता नहीं कोई गिर गया हो, कुछ हो गया हो, मैं भी यही सोच रहा था। ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, तो वैसे ही इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और इसे मौका मिल गया हंसने का, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तुम करके टेन खोल के बैठे हुए देखिए क्या रिवर बनाई है इसने, वाह देखो भाई देखो कैमरे पे, देखो इसी रिवर बना रखी है इतनी सी, इस टाइम सबसे ज़्यादा बनाया कि तुम ये दिखा रहे हो मैच में, मैं बताओ ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में देखिए ये हो गया साइन 45 डिग्री और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मुझे विड्थ ऑफ रिवर निकालनी है, तो ए बी अपॉन ए सी साइन 45 डिग्री अपॉन ए बी अपॉन ए सी कितना है 150, ए बी इंटू रूट टू is 45 degree is 45 degree full stop, what is the height of the tower,
what is the height of the tower? Funny, isn't it? चली गई तुमसे बात करने के चक्कर में, कसम से मतलब ना तुम तो बिल्कुल एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टॉवर if
एट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू बी शो दैट पी स्क्वायर माइनस वन टर्म्स में कन्वर्ट करना है ना इसको स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा टेन थीटा माइनस वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और माइनस वन लास्ट में दिए गए। अब इसमें क्या करिए ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इसको एक तरफ ले प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इनको एक साथ लिख लिया मैंने और फिर प्लस टेन स्क्वायर थीटा है प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा यहाँ तक बताइए समझ गए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन को एक तरफ क्यों लिखा क्योंकि सेकंड आइडेंटिटी होती है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के ऊपर इसकी जगह मैं लिखूंगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा इधर से टू टेन थीटा ले लो कॉमन तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा टेन थीटा और इधर क्या बचेगा प्लस का सेक थीटा ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर यानी कि पी स्क्वायर माइनस वन हो गया वैसे पी स्क्वायर प्लस वन निकाल लो पी स्क्वायर क्या हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा प्लस वन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और लास्ट में प्लस वन है तो इसमें भी वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लो ये जो शुरुआत वाला सेक स्क्वायर थीटा है आज के सही और टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इसको एक साथ ले लो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो गया लास्ट में टू सेक थीटा टेन थीटा ये हो गया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को साथ में क्यों लिया है क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू सेक थीटा टेन थीटा यहाँ से टू सेक थीटा कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा ठीक है। अब टी स्क्वायर माइनस वन आ गया और टी स्क्वायर प्लस वन आ गया दोनों को डिवाइड कर दो देयरफॉर टी स्क्वायर माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू
स्क्वायर माइनस वन क्या आया था, टू टेन थीटा इन टू टेन थीटा प्लस साइन थीटा। और पी स्क्वायर प्लस वन क्या आया, टू साइन थीटा इन टू साइन थीटा प्लस टेन थीटा। टू से टू कट गया, टेन थीटा प्लस साइन थीटा से टेन थीटा प्लस साइन थीटा कट गया। तो tan theta upon sec theta, tan theta is sin theta upon cos theta, और sec theta is 1 upon cos theta। numerator का denominator भी cos theta, denominator का denominator भी cos theta कर दिया, केवल sin theta ही तो बचा, ये करना है। और दिखाना कौन सा स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब न्यूमरेटर के दोनों में कॉस स्क्वायर अल्फा है, कॉस स्क्वायर अल्फा ले लिया कॉमन, ये बचेगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इनटू कॉस स्क्वायर बीटा। इधर कॉस स्क्वायर अल्फा है, दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर बीटा इधर वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इधर वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर बीटा। यहाँ तक बता दीजिए, समझ गया, एलसीएम लिया है ठीक है। अब ये जो cos स्क्वायर बीटा है, इस cos स्क्वायर बीटा से ये cos स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट हो गया, लेकिन वो ही n स्क्वायर के इक्वल है, n नहीं है वो, ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा इज 1 अपॉन sin स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा क्या हो गया, cos अल्फा अपॉन sin और cos अल्फा अपॉन sin थीटा ही तो है ना, तो ये n का स्क्वायर हो गया, यही ठीक है जी, समझ गए। बस तो जी इतना करिए, बाकी आप लोग क्या करें, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसमें एक ही एक्सरसाइज दे रखी है, कोई लास्ट के शायद तीन या चार क्वेश्चन में तो दिक्कत आ सकती है, शुरुआत के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, 11 या 12 क्वेश्चन है, बस एक ही एक्सरसाइज वो ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे उसको, ठीक है।